अब गीता में तो लिखा है कि आप कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए, लेकिन ये तो बहुत आइडियोलॉजी हो गई ना, बहुत बुद्धिवाद की बात हो गई ना, ये तो मेचोरिटी की पराकाष्ठा हो गई ना। कौन व्यक्ति है जो सिर्फ मेहनत करने में बिलीव करता है और फल की बिल्कुल इच्छा नहीं करता है? मतलब ये तो इतना बड़ा आइडियोलॉजी है कि उसको उछल उछल के कई बार में भी शायद न छुआ जा सके, उसके इर्द गिर्द पहुँचा जा सकता है। तो यहाँ बैठे हुए हम हों या आप हों, एक भी ऐसा कोई प्राणी हो जो पढ़ाई कर रहा हो और नौकरी की अपेक्षा न रखे, हमें नहीं लगता कि कोई मिलेगा। या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, फीस की अपेक्षा ना करूँ, रिजल्ट की अपेक्षा ना करूँ, आप में आईएएस बन जाएं इसकी अपेक्षा ना करें, इम्पॉसिबल। और मैं बोल रहा हूँ कहीं पर, कहीं स्पीच दे रहा हूँ कहीं, सराहना की अपेक्षा ना करूँ, ऐसे कैसे काम चलेगा? उन्होंने जो बोला है उसके अपने भावार्थ हैं। हम अगर उस तरह के बन जाएंगे तब तो फिर कमाल ही हो जाएगा, लेकिन कम से कम बनने की कोशिश